हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 2 के बारे में। तो ओप्पो रेनो 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा अगर आप ओप्पो का कोई भी डिवाइस चला रहे हो, चाहे वो ओप्पो रेनो 2 हो या ओप्पो रेनो 1 या फिर रियल ओप्पो के आपके पास कोई भी फोन हो, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप रियलमी का भी अगर कोई भी डिवाइस चला रहे हैं तो आप उसमें ये ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों फोनों में आपका ईजिली अप्लाई हो जाता है। जिस ट्रिक्स से मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्क्रीनशॉट लेना आपको, वो ट्रिक दोनों फोनों में वर्क करती है, चाहे आप रियलमी का फोन चला रहे हो चाहे ओप्पो का चला रहे हो। आपको पता ही होगा ओप्पो और रियलमी के डिवाइसों में सेम कलर ओएस का इस्तेमाल होता है, चाहे वो कलर ओएस 6 हो या फिर कलर ओएस 6.1 हो। तो अभी के लिए दोनों फोनों में एक ही कलर ओएस है, आने वाले टाइम में रियलमी का कलर ओएस अलग होने वाला है। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ओप्पो रेनो 2 के बारे में, जिसमें आपको स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो सिंपली आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप वीडियो को शेयर भी करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ओप्पो के सारे फ़ोनों में ये टिप्स काम करती है, साथ ही साथ रियलमी का भी कोई फ़ोन आप इस्तेमाल करते हो तो आप काम करती है। 3 फिंगर से आप इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अब ये कैसे चेक करें कि हमारे में स्क्रीनशॉट अनेबल है या नहीं, और साथ ही साथ आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो पहले मैं आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेके दिखा दे रहा हूँ। आपको सिंपली 3 फिंगर से कुछ इस प्रकार से स्लाइड डाउन करना है नीचे की ओर, उसके बाद आपको लॉन्ग स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, आप इसको जितना चाहें उतना लॉन्ग कर सकते हो। इसके बाद आप उसको डन कर लेना होगा। आपको डन करने के बाद आपके ये जनरेट हो जाता है और आप यहाँ पे देख पाओगे आपका ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, यहाँ पे सारी डिटेल आप कैप्चर कर पाए होगे। अब बात ये है कि इसको हम चेक करना होगा कि हमारा ये अनेबल है या नहीं है। इसको अनेबल करने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल नहीं आता तो इसको हम सेटिंग में जाके अनेबल करते हैं। तो हम इसको सेटिंग में जाते हैं सिंपली। यहाँ जाने के बाद आपको सिस्टम में मिलेगा यहाँ पे कन्वीनियंस ऐड नाम का एक ऑप्शन, इसमें आपको चले जाना है। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली लास्ट में, सबसे लास्ट में दिख रहा होगा आपको जेस्चर एंड मोशन, इसमें आपको जाना है। यहाँ पे आप देखेगा 3 फिंगर्स स्क्रीनशॉट जो कि अभी अनेबल है, इसको आपको अनेबल रखना है। अगर ये आपका ऑफ हो तो आप इसको अनेबल कर लें, तभी आप इसका लाभ उठा पाओगे, नहीं तो आप इसको 3 फिंगर्स स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते और साथ ही साथ आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। सिंपली बात, आप 3 फिंगर्स स्क्रीनशॉट कुछ इस प्रकार से ले सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।